नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एनपी ग्रुप में। तो दोस्तों जेवर एयरपोर्ट की एक और लेटेस्ट खबर आई है और उससे रिलेटेड दोस्तों कुछ जानकारी है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट की क्या जानकारी है और उससे रिलेटेड क्या जानकारी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की बढ़ी रुचि। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की रुचि बढ़ी हुई है और यहाँ पे कई कंपनियाँ निवेश कर रही हैं जेवर एयरपोर्ट के आसपास। तो इसमें और भी जानकारी है तो बने रहिए हमारे साथ। जागरण संवाददाता ग्रेटर नोएडा, वीवो की चार बैंडर कंपनियाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश करेंगी। कंपनियों को जमीन देने पर लगभग सहमति बन चुकी है। इन कंपनियों को वीवो के समीप जमीन आवंटित की जाएगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में पिछले एक साल में 7,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की दस्तक बढ़ी है। पिछले साल फरवरी में लखनऊ में हुए निवेश सम्मेलन में कंपनियों ने यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 10,000 करोड़ से अधिक निवेश के लिए समझौता किया था। इसमें से 7,000 करोड़ का निवेश भी हो चुका है। 174 इकाइयों के लिए 310 एकड़ ज़मीन पर भूखंड आवंटित किए गए हैं। इसमें 51,063 लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें वीवो की चार वेंडर कंपनियों ने यमुना प्राधिकरण के लिए निवेश कर लिया है और जिसमें की सारी सहमति भी बन चुकी है। और देखिए दोस्तों इन कंपनियों को यहाँ पे आने से रोज़गार भी मिलेगा। दोस्तों बेरोज़गार भाई जो हैं उनके लिए रोज़गार भी मिलेगा यहाँ पे। और भी काफ़ी सारी इसमें और भी जानकारी है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की बड़ी दस्तक। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुगबुगाहट के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश के लिए दस्तक देना शुरू कर दिया था। वीवो कंपनी ने इकाई लगाने के लिए सेक्टर 24 में 169 एकड़ ज़मीन आवंटित कराई है। इसका काम भी शुरू हो चुका है। इसमें 5,000 करोड़ का निवेश होगा। वीवो के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज बनाने वाली कंपनियां भी प्राधिकरण क्षेत्र का रुख कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की संभावनाओं को देखते हुए प्राधिकरण ने सेक्टर 21 व 28 को इसके लिए आरक्षित कर दिया है। एयरपोर्ट के साथ यहां इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की संख्या तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों जेवर एयरपोर्ट के साथ साथ यहां पर कई तरह की कंपनियां भी आ रही हैं और जिससे कि यहां पर रोज़गार बढ़ने वाला है। कई और उत्पादन बनाने वाली कंपनियां भी प्राधिकरण क्षेत्र में कर रही हैं निवेश। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा दूसरी कंपनियां भी प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। पतंजलि के फूड पार्क का काम चल रहा है, इसमें इसी साल से उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इसका सीधा फायदा स्थानीय युवाओं के साथ किसानों को भी मिलेगा, उनके कृषि उत्पाद का बाजार बढ़ेगा। इसके अलावा बॉडी केयर फार्मा में संस्कार मेडिकेयर प्लास्टिक इंजीनियर समेत विभिन्न क्षेत्र के लिए उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का निवेश शामिल है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निवेश के लिए कंपनियों की रुचि बढ़ी हुई है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का रुझान अधिक है। पिछले एक साल में 7,000 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। एयरपोर्ट को देखते हुए निवेश में और तेजी आने की उम्मीद है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पतंजलि फूड पार्क भी बनने जा रहा है, इसमें भी काम चल रहा है जिससे कि यहाँ पे उत्पादन शुरू होने की संभावना है और यहाँ पे किसान भाइयों को भी फायदा होने वाला। देखिए दोस्तों यहाँ पे कई तरह की चीज़ें बनने जा रही हैं तो जिससे यहाँ के जितने भी दोस्तों आसपास क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनको सबको रोज़गार मिलेगा और यहाँ पे हर तरीके का काम चलने वाला है दोस्तों। तो ये जानकारी थी जेवर एयरपोर्ट के और उससे रिलेटेड दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।